टीम इंडिया के चैंपियन बनने का मोमेंट ना देखा तो क्या देखा। टीम इंडिया जिद पर अड़ा है, लेकिन सामने साउथ अफ्रीका खड़ा है। जब साउथ अफ्रीका को 30 बॉल में 30 रन की ज़रूरत थी तो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ से कमबैक किया जा सकता है। लेकिन बॉलर्स के हौसले बुलंद थे, जिन्होंने गजब का कमबैक किया। जब खतरनाक दिख रहे हेनरिक कार्लसन का विकेट चटकाया तो आधी जीत सुनिश्चित हो गई। लेकिन अभी भी डेविड मिलर नाम का खतरा बाकी था। लेकिन जैसे ही आखिरी ओवर की पहली बॉल पर सूर्य ने मिलर को अपने सरप्राइजिंग कैच से आउट किया, जीत वहीं पक्की हो गई। दोस्तों चलिए अब आखिरी यानी विनिंग मोमेंट को दिखाते हैं, क्योंकि जिस इंडियन फैन ने ये मोमेंट ना देखा तो क्या देखा, क्योंकि वही वो पल था जिसने हमें सीना फुलाने का मौका दिया। यही वो पल था जिन्होंने हमारे इमोशंस को बाहर जाहिर करने का मौका दिया। दोस्तों हार्दिक ने जैसे ही आखिरी बॉल पर एक रन दिया, इसके साथ ही पूरा स्टेडियम झूम उठा। मैदान में अपने इंडियन प्लेयर्स ने सेलिब्रेशन भी शुरू कर दी। एक तरफ बाहर बैठे सपोर्टिंग स्टाफ और प्लेयर्स तिरंगा लेकर ग्राउंड में दौड़े चले आए, तो दूसरी तरफ आखिरी बॉल होते ही कैप्टन रोहित शर्मा मैदान में ही उल्टे लेट गए और बहुत इमोशनल हो गए और जोर जोर से ताल ठोकने लगे। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह अपनी ही जगह पर बैठ गए और आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। तो वहीं विराट कोहली ने दोनों हाथ हवा में लहराकर पिच की तरफ बढ़ते चले आए। प्लेयर्स एक जगह आकर झूम रहे थे, एक दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाइयां देने लगे। वाकई में ये पल देखने लायक था। इस पल को देखकर अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जीत की ये खुशी छुपे नहीं छुप रही थी, जहाँ हर एक इंडियन प्लेयर अपने ही खास अंदाज में जश्न मना रहा था। इसके बाद टीम ने ग्राउंड का चक्कर लगाया, जिसमें विराट अपने साथ अपने देश की शान तिरंगा को लहरा रहे थे। फिर बारी आई ट्रॉफी को अपने हाथ में लेने की। टीम इंडिया एक तरफ ट्रॉफी ले रही थी तो आसमान में आतिशबाजी होने लगी। एक ऐसा पल जिसका सपना करोड़ों हिंदुस्तानियों ने सालों से संजोए रखा था, फाइनली वो पल आ ही गया, जिसने हर क्रिकेट फैंस की आंखों में खुशी के आंसू निकाल दिए। दोस्तों इस पल को लेकर आप क्या कहेंगे, अपना रिएक्शन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।